बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने भोटा में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से जयराम प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से जिला हमीरपुर के काम रुक गए हैं। पिछले कल जयराम ठाकुर ने डुग्गा में पुल का उद्घाटन आनन फानन में कर दिया है। पुल का अभी पूरा काम नहीं हुआ था, उसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया। ये भी जनता के साथ सरासर अन्याय है। अगर कल को कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बुलाना ही था तो उनको सम्मान के साथ बुलाया जाता, मगर सांसद अनुराग ठाकुर और धूमल को आज तक जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रास नहीं आ रहे हैं। हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। पोस्टरों में धूमल और अनुराग के फोटो गायब हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर प्रदेश में खुले जाने माने एम्स अस्पताल व मेडिकल कॉलेज को अपने खाते में लिखते हैं, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश के लिए क्या किया है? बड़सर क्षेत्र में कांग्रेस के समय चलने वाली बसों को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रदेश सरकार द्वारा इन बसों को दोबारा नहीं चलाया गया तो आगामी लोकसभा सत्र में जोर शोर से ये मुद्दा उठाया जाएगा और बड़सर में कांग्रेस आंदोलन करेगी। जो मैंने अभी प्रेस वार्ता में बात रखी है वो सच्चाई पर आधारित है कि जब से प्रदेश में जयराम जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से जिला हमीरपुर में विकास के काम सभी रुक गए हैं। और जो अभी कल पुल का उद्घाटन हुआ है वो तो हमारी सरकार के समय में ये पैसा सैंक्शन हुआ था 266 करोड़ रुपए, चंद्रौर से लेके हमीरपुर तक जो ये सड़क की चौड़ाई हो रही है और पुलों का निर्माण हो रहा है ये तो काफी लंबे समय से काम चला हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या अनुराग ठाकुर जी का कोई योगदान नहीं है। और जो कल पुल का आनन फानन में उद्घाटन किया गया है वो भी एक सरासर अन्याय है जनता के साथ। कल को वह हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? क्योंकि जब मुख्यमंत्री को बुलाना ही था जिला के अंदर पूरे ढोल धमाके से बुलाया जाता, उनका नागरिक अभिनंदन किया जाता, लेकिन अब कैसे करें? अनुराग ठाकुर जी और धूमल साहब जी को आज तक भी जयराम जी रास नहीं आ रहे हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं कि वो यहाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो और दूसरा जो हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी भी दो फाड़ हो चुकी है, जैसा कल वहां देखने को मिला, पोस्टरों तक से इनके फोटो गायब हो गए और फिर आनन फानन में एक दो फोटोएं लगाई गई। और जिस प्रकार का यहां पर हमीरपुर जिला हमीरपुर में जब भी अनुराग विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए जनमंच कार्यक्रम को असफल बताया और कहा कि इस जनमंच से आम आदमी को कोई समस्या हल नहीं हुई है। जनमंच में जनता से ज्यादा अधिकारियों की फौज जमा होती है। जनमंच में मंत्री आते हैं व जनता के सामने अधिकारियों की डांट फटकार करके चले जाते हैं और लोगों की कोई समस्या हल नहीं होती है। उसमें हो क्या रहा है? जनमंच कार्यक्रम में अधिकारियों की फौज जाती है, जनता से ज्यादा तो वहाँ अधिकारी होते हैं। जनता का काम हो कौन सा रहा है? जनता हमारे पास आती है कि हमने जनमंच कार्यक्रम में ये काम दिया था, हो नहीं रहा है। वहां पे विभिन्न मंत्री आते हैं, वो घोषणाएं कर जाते हैं, वहां पर अधिकारियों की डांट फटकार करते हैं, तो डांट फटकार से कौन काम करेगा? वो तो अफसरों की बेइज्जती करने के लिए जनमंच लगाए जा रहे हैं, उसमें आम जनता का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। आम जनता के काम तो कार्यालय से होने हैं ना, आपने काम करना है, आप कार्यालय को आदेश करें, अधिकारियों से रिपोर्ट लें कि कितने लोगों की आपके पास एप्लीकेशन जाई है। जनमत में ये ढकोसले करने से थोड़ा ना चलेगा काम। जनमत में काम कौन से हो रहे? बड़ा काम कोई बता दें कि जिला हमीरपुर में कोई जनमत के माध्यम से कोई काम का सुधार हुआ हो। अधिकारी लोग जो है वो अफसरों से नहीं निकल, दफ्तरों से नहीं निकलते हैं। बड़ा अधिकारी आज तक इलाके में उनको पता ही नहीं होना कौन सा गांव कहां पे है। वो अपने पटवारियों, सुपरवाइजरों और लाइनमैनों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, निकलते ही नहीं है बाहर। हमारी आईपीएच की स्कीमों की इतनी बुरी हालत है, बरसात के बाद सारे टैंक साफ होने चाहिए थे। कल मैंने एक दो टैंकों